अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अय्यूब मुगल नगीना गॉड्स बखरा मंडी से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कैसे हैं व्यूअर्स, सब ठीक हैं? काफ़ी बीच में गैप आया था थोड़ा सा, उसमें मैं बताता चलूँ। सबसे पहले तो दुआओं में शामिल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अपनी हर वीडियो में अपने व्यूअर्स को करता हूँ और आप दोस्त भी मुझे दुआओं में याद रखते हैं, जिसकी गवाही मेरे कमेंट्स भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो मोहब्बत और मुझे जो पर्सनली आप मुझे मैसेजेस करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, बहुत से दोस्त हैं, नाम मैं सबके नहीं ले सकता होता। बहरहाल मैं बताता चलता हूँ, मुझे काफ़ी दोस्तों ने ये कहा कि वीडियो देर बार लगी और क्यों लगी, क्या वजह हुई। तो उसमें ये था कि कुछ ये कोई टाइम गुजरा है, कोई 3-4 माह से मेरी वालदा माजदा जो है ना वो बीमार थी। तो मैं बताता चलता हूँ, शॉर्ट बात कर लेते हैं। तो वो ये 10 दिन पहले पिछले जुमा मुबारक को जो है ना वो दुनिया से पर्दा फरमा गई हैं। तो आप सब भी भाई जो है ना दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला का ये फैसला है, निज़ाम है, जिस तरह के बिल्कुल बेशक ये बात फाइनल रहता है कि कुल नफ्सन जायकतुल मौत, कि हर नफ्स ने जो है वो मौत का जायका चखना है। जो भी सांस वाली चीज़ है, चाहे वो जानवर है, इंसान है, कोई भी है, तो सब के लिए दुआएं हैं। आप भी दुआओं में याद रखिएगा, खसूसन मेरी वालदा, मेरे वालद साहब के लिए दुआ फरमाइएगा, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं होगा कि आज हम सब मिलके ये दुआ फरमाते हैं। और भी जिन मेरे व्यूवर्स के उम्मत मुसलमान के जितने भी हमारे फौज शुदगान हैं वो, और ख़ास तौर पर जिनके वालदैन दुनिया से पर्दा फरमा गए, उनके लिए दुआ कर लेते हैं। तो आप मेरी दुआओं में शामिल हो जाएंगे, मैं आपकी दुआओं में शामिल हो जाऊंगा, और साथ में इंशाल्लाह हम टॉपिक रख लेंगे, वो उस पर भी मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि अल्फाज नहीं है बोलने के लिए मेरी वालदा के लिए कि मैं, उन्होंने मेरे साथ क्या प्यार किया। बेशक सबकी माएँ बहुत प्यार करती हैं, लेकिन ये मेरा रब जानता है कि मैं इतना ही कह सकता हूँ कि 2 साल 1 महीना पहले मेरे वालद साहब दुनिया से गए, तो मुझे ऐसा लगा है कि मेरी वालदा के जाने के बाद मेरे वालद साहब यानी के साथ अब गए, ऐसा लगता है। इतना यानी कि माँ का कितना अल्लाह ताला ने ये प्यारा और बुलंद रिश्ता बनाया है। बहरहाल कुछ नहीं कह सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो आप भी दुआ में याद रखिएगा। तो दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला सबके वालदैन के लिए जो है ना वो जो हयात है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत अता फरमाए, और जिनके मुझ बंदा ने चीज़ के बीच में शामिल वालदैन, वालद और वालदा दोनों दुनिया से चले गए, या किसी का एक चला गया एक जिंदा, जो भी है सबके लिए दुआ फरमा लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहाबिही व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलाद्दालीन। आमीन। या रब्बुल आलमीन, जो भी कलाम पाक मेरे साथ मेरे व्यूअर्स पढ़े, मैंने पढ़ी है, या अल्लाह इसमें कोई गलती कराई है तो माफ़ फरमा, और इसका सवाब जो है वो तेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। और बिलखसूस जो मैंने दुआ में या इंट्रो में मैंने पहले अपने व्यूअर्स को भी कहा है कि सबके वालदैन के लिए उम्मत मुस्लिमा में जो भी हमारे पोचदान है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए उनके सवाब के लिए। और ये दुआ मेरा यहाँ पे मांगने का सिर्फ मेरे व्यूअर्स के आगे यही मकसद है कि वो भी दुआ में शामिल हों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहाबिही व बारिक वसल्लम। ये मैंने इसलिए दुआ ये मांगी है, कोई ये ना कि आपको दिखाने के लिए की है, वो तो घर बैठे भी मैं दुआ मांगूंगा, जिसके लिए मांगूंगा कबूल करने वाला मेरा रब है। ये मैं बताता चलूं कि शर्म और हया होनी चाहिए हमें, बेशर्मी वाले जो काम है, नमाज नहीं हम पढ़ते तो शर्म तो उसमें होनी चाहिए। कोई अच्छा काम दीन के ख़िलाफ़ जो हम काम का अगर बुरा काम करते हैं तो शर्म तो उसमें हर इंसान को नहीं चाहिए, झूठ बोलने में, गीबत करने में, इन चीज़ों में हमें शर्म महसूस करनी चाहिए। ये जो अच्छे मामलात हैं इसमें शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए, खुल के एक दूसरे के साथ इसका शेयर करना चाहिए। तो बहरहाल ये टॉपिक था जी, मैं इसलिए कुछ साइड पर था। तो अब ये निज़ाम कुदरत है, ये मामलात भी चलने हैं साथ, तो आज के टॉपिक को भी साथ लिए चलता हूँ, आपसे दुआएं लेना भी मकसद था। तो आजकल जो ठंड की पोजीशन हुई हुई है उसमें ये अक्टूबर के एंड पे ना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं, इसको मैं आपको दिखाता चलता हूँ। पंजाबी में ये फोकस कर लो,
ये पंजाबी में जो है ना जी, इसको कहते हैं जी वैसे तो बड़े में, लेकिन ये कपास के बीज जो होते हैं ना, ये जरा आना सर, इधर आना, ये ऊपर से ना ये चढ़े होता है, इसके रुईसी होती है और ये बनोला का बीज कहलाता है जी। तो ये रुईसी चढ़ी होती है, अंदर से ये ब्लैक बीज निकलता है ये वाला, ये इसमें से ऑयल भी निकलता है। ये बड़ी गर्म चीज़ है, इसका जो है ना जी फ़ायदा है, बहुत ये गर्म होते हैं और इसको अक्टूबर के एंड पे थोड़ा थोड़ा एक मुट्ठी से इतना सा जानवर से स्टार्ट कर देते हैं। ये एक मुट्ठी में इतने जो है ना वो 25 ग्राम 20 ग्राम आते होंगे, 25 ग्राम तो 25-30 ग्राम से एक जानवर को स्टार्ट करें। अक्टूबर और नवंबर में 50 ग्राम अगर डेली का जानवर खाने लग पड़े तो आपका दिसंबर जनवरी जो है ना वो ईजी गुजरेगा, उसमें जो है ना बहुत कम प्रॉब्लम जानवर को आएगी। जिस तरह के वो अंदर उसका जो सिस्टम है कुव्वत मुदाफ़त है वो उसको बर्दाश्त करने वाली होगी, और उसका ये फ़ायदा होगा कि जानवर जो है वो आपके ठंड महसूस नहीं करेंगे, खाने दो खाने दो खाने दो। तो ये कई जानवर तो ऐसे ही खा लेते हैं, लेकिन कई जो है ना वो नहीं खाते। अब ये देखें ये खा रही है, भाग भाग के खा रही है। तो कई जानवर ऐसे नहीं खाते, वो फिर हम वंडे शंडे में डाल देते हैं, उनके साथ खा लेते हैं। बहरहाल ये एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, जैसे भी किसी का जो भी जानवर खाए तो उसको आप खिलाएं। इसका फ़ायदा, इसका नुकसान नहीं, इसका जो फ़ायदा है उसमें से सबसे मैंने आपको बेहतर बताया कि ये दूध वाली जो बकरियां होती हैं उनके लिए भी बहुत बेहतरीन है, सर्दियों में ये देने चाहिए। और जो है ना 50 ग्राम 60 ग्राम 100 ग्राम तक चाहे ले जाएं, तो एक जानवर अगर डेली का 100 ग्राम खाने पे चला जाए तो उसका अंदर का सिस्टम इतना होगा कि उसको जल्दी की ये ठंड नहीं महसूस करेगा। वैसे तो अब ये मगरिब के पास पास में वीडियो बना रहा हूँ, अच्छी खासी लाहौर में ठंड है, लेकिन बावजूद इसके अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जानवर इतनी ठंड नहीं लेते। उसकी वजह यह है कि हम ये चीज़ें गर्म खुराक जो है ना वो इस्तेमाल करवाते हैं, जिसमें तिलों का तेल भी शामिल है। तो उसकी भी मैं इंशाल्लाह कैसे वो तिलों का तेल पिलाते हैं उस पर भी थोड़ी सी वीडियो बना देता हूँ, अलहदा टॉपिक दे देते हैं, ताकि वो मेरे व्यूवर्स जो है वो मेरे से कस्टमर पूछते हैं कि तेल जब देते हैं ना वो गले को लग जाता है, खांसी होती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब ये जो है ना ये कपास के बीज को, ये बनोला का जो बीज है, इसके जो मैंने आपको बताया है कि इसको लाजमी आप इस्तेमाल करवाया करें सर्दियों में। अब ये थोड़ा कम करना पड़ेगा, ये नहीं है कि अब आप इसका जोर लगवाएं तो बहुत फ़ायदा होगा, जल्दी फ़ायदा होगा। ये खुराक जो होती है ना, देसी खुराकें जो होती हैं वो खाने के को 8-10 दिन बाद समय में उसका रिजल्ट आता है ना। ये थोड़ी होता है कि आज खिला दिया तो कल जानवर बिल्कुल आपको बता देगा जी मैंने खाया था, इसका ये फ़र्क पड़ेगा। लेकिन बताने का मकसद ये है कि कुछ टाइम ज़रूर लगेगा। तो आप अपने जानवर को अक्टूबर के एंड पे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे, नवंबर में वो उसने अच्छा खाया होगा, दिसंबर और जनवरी आपका बहुत इजीली गुजरेगा। लेकिन दिसंबर और जनवरी में भी ये खिलाना है, जाके आपने इसको फरवरी के स्टार्ट में कम करना शुरू कर देना है, जनवरी में भी ये खिलाना है, ताकि जानवर आपका जो है ना वो अंदर से उसका जो सिस्टम है कुव्वत मुदाफ़त है वो स्ट्रांग रहे और वो सर्दी से मुकाबला कर सके। जिस तरह हम गर्म चीज़ें खाते हैं, ये ड्राई फ्रूट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये बाबा जी इनका ड्राई फ्रूट ही है। तो आप सब भाइयों ने खसूसी दुआओं में याद रखना है, अल्लाह ताला आपके माल जान में बरकतें अता फरमाए, सेहत में अता फरमाए। मैं बंदा नचीज़ मोहम्मद अय्यूब मुगल, इसी तरह आपका मैं वो लफ्ज़ कहता होता हूँ यार, मैं बोलता हूँ आपका सर खाता हूँ, तो मुझे बड़े ही प्यारे भाई कहते हैं जी आप हमें बोलते अच्छे लगते हैं। जिनको मैं अच्छा लगता हूँ उनके लिए भी सलाम, जिनको नहीं अच्छा लगता उनको भी बहुत बहुत सलाम। तो दुआओं में याद रखिएगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।